आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके अंदर पढ़ाई के लिए तूफान नहीं उठा ना, तो इस चैनल को हमेशा के लिए छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर तूफान उठा तो इस मोहित सक्सेस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही तूफानी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो थोड़ी दूर भी चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक लड़की ने आंखें ना होने के बावजूद भी यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर किया और देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी। कोई जिद्दी लड़की हुई होगी ना ऐसी, क्योंकि लेकिन अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता तो पूरी जिंदगी सिर्फ अंधा बनकर गुजार देता। वो जिद्दी लड़की और कोई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उल्लास नगर की प्रांजल पाटिल है, जिसको रेलवे ने नौकरी देने के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी। और आज वही लड़की त्रिवंतपुरम में आईएएस के पद पर है। ये सब उसकी जिद और अंदर चलने वाले तूफान का ही नतीजा है, जो हर परेशानी को उखाड़ कर फेंक देता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स की वजह से बहाने बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन अंदर एक तूफान चाहिए होता है प्रॉब्लम्स को लात मारकर कुछ बड़ा करने के लिए। ऐसी ही एक कहानी है हरियाणा के अजीत कुमार की। 5 साल की उम्र में इस बच्चे को मलेरिया हो गया, इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना, इरादे पक्के हों और अंदर एक जिद हो तो इंसान किसी भी कीमत पर मंजिल तक पहुंच ही जाता है। उस बंदे ने आंखें ना होने के बावजूद भी अच्छी रैंक से यूपीएससी की एग्जाम पास की। लेकिन आंखों की वजह से इस बंदे को सिविल सेवा में कोई पद ना देकर रेलवे में अधिकारी का पद ऑफर किया गया, लेकिन उस बंदे ने उसे ठुकरा दिया। क्योंकि जिस बंदे के अंदर एक तूफान उठ चुका हो, जिसने जिद पाल रखी हो कि साला आईएएस बनना है तो बनना है, ऐसे बंदे को रोक पाना बहुत मुश्किल है। उस बंदे ने अच्छी रैंक होने के बावजूद भी सिविल सेवा में पद नहीं मिलने की वजह से अधिकारियों पर ही केस फाइल कर दिया। 9 साल तक केस चला, फाइनली उस बंदे ने केस जीत लिया और उसे आईएएस का पद ऑफर किया गया। ये होती है जिद्दी इंसान, जिनकी आंखों से ऊपर वाले ने भले ही रंग छीन लिए हों, लेकिन अपनी जिद की बदौलत जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। जहाँ पर सबको सही सलामत होने के बावजूद भी लोग अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, वहाँ ऐसे ही लोग सफलता के झंडे गाड़ते हैं। एक लड़का जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर बेचकर रेंट पर रहने लगे। उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा, उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा ये खर्चा नहीं, ये तेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुझे देना है। उस लड़की ने अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर दिया और बन गया आईएएस प्रदीप सिंह। यार, औकात से कुछ बड़ा करने के लिए औकात से बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक लड़का जिसके अब्बू रिक्शा चलाते थे, गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि उस बंदे के पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसके बावजूद जब तुम वाहनों की लिस्ट बना रहे थे, वो लड़का इंडिया का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन गया, मिस्टर अंसार सिंह। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो निश्चित कि आप किसी रईस खानदान से बिलोंग नहीं करते हो। आप में से किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते होंगे तो किसी के प्राइवेट जॉब करते होंगे, किसी के पिताजी शॉपकीपर होंगे तो किसी के पिताजी मजदूर होंगे। आपकी कंडीशन जैसी भी हो, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो चाहे पुअर फैमिली से, अगर गवर्नमेंट जॉब लगनी है, चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेरे दोस्त पढ़ना तो पड़ेगा। अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये लोग अलग नहीं थे, इनकी तरह बनने के लिए आपको अपने अंदर एक जिद, एक तूफान उठाना पड़ेगा, आपको जरूरत पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने अंदर छुपे इंसान को जगाओ और बहानों को साइड करके लग जाओ अपनी पढ़ाई में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगा ऐसी नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।